गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपने हिंदी के ई क्लास में। चलो, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, सुबह, जो कि प्रसंग कथा, एक कहानी है जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ये कहानी है किसकी? याद कर दे रहा हूँ, चलो, किसकी कहानी है ये? यस, रेशमा नाम की लड़की की कहानी है जिसे पोलियो हो जाता है और वो व्हीलचेयर पर आ जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो बहुत ही जिंदगी से अपनी जिंदगी जीती है, सारे कार्य स्वयं करती है खुद के, और अपना कार्य स्वयं करती है, साथ ही साथ घर वालों की भी सहायता करती है। किस तरह से वो घर की सफाई में अपनी माता की मदद करती है, फिर लड्डू बनाने का सामान लाती है, और बस कुछ दिन बाद दिवाली आ जाती है। और दिवाली के त्योहार में उसकी दादी जी जो है उन्हें कहानी सुनाती है रामायण की, कि किस तरह से राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण का उसमें वध हो गया। इसीलिए में ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी अयोध्या लौटे, और फिर हमने देखा था कि किस तरह आगे कि गोलू जो है वो पटाखे फोड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है। अब आगे की कहानी हम देखेंगे कि रेशमा को ये क्या हो जाता है। सुबह, चलो, तो हमने देखा कि किस तरह से रेशमा जो है बेड पर लेटी हुई थी, लाल क्षेत्र हमने वो देखा, लेकिन वो क्या हुआ था, उसके साथ कौन सी ऐसी घटना हो गई, वो पीडीएफ के माध्यम से देखते जाते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ते जाना है और कहानी को समझते जाना है। चलो, पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया हमने आदर देखा था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़िया जला रही थी। अब वो क्या कर रही थी? अपने दादा दादी के साथ खड़ी हो गई या बैठ के क्या कर रही थी? फुलझड़िया जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकल रही है। अब वो क्या कर रही है? वो तो आराम व्हीलचेयर पर बैठ के फुलझड़ियां जला रही थी, और उसी टाइम पे उसकी नजर जाती है, उसकी दृष्टि जाती है वो पटाखे के ऊपर, जिसको गोलू ने ये समझ गया था कि जो बुझ गया है इसे छोड़ दो, और वो दूसरा जलाने जाता है। वो जो पटाखा बुझा हुआ था उसमें से आग, मतलब वो जो है चिंगारियां निकल रही थी, यानी कि धीरे धीरे वो हो रहा था तैयार फूटने के लिए। चलो, ये गलती भी बहुत बार हम करते हैं। हम क्या करते हैं? फटाखा ऐसे हाथ से फोड़ते हैं, ये गलत बात है। फिर बहुत बार ऐसे जला के वापस तो आ जाते हैं, हमें लगता है कि वो बुझ गया है, लेकिन वो बुझता नहीं होता है, बुझा हुआ नहीं होता है, और हम उसके पास चले जाते हैं तो बहुत ही, मतलब ऐसे बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं घटती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सही के, मतलब सही हिसाब से कार्य करना चाहिए, सोच समझ कर। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, यानी कि जो गोलू है पटाखा उसके पीछे था, बैक साइड था, गोलू इस तरफ था तो पटाखा उसके पीछे था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है, यानी कि गोलू हट जाओ, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे पटाखा है, यानी कि वो ब्लास्ट होने वाला है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। अब वो क्या किया? पटाखों का इतना शोर था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो पटाखा ऐसे जला रहे, सब पटाखा जला रहे हैं, ब्लास्ट की आवाज हो रही है, और ये रेशमा यहाँ से चिल्ला रही है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। बहुत बार जो है पटाखे की आवाज बहुत ज्यादा होती है, एक कदम हुआ तो दूसरा, दूसरा कदम हुआ तो तीसरा, ऐसे टर्न बाय टर्न सब फोड़ते ही रहते हैं, तो उसमें उनके शोर में किसी और की आवाज नहीं सुनाई देती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। सबसे पहले रेशमा जी आगे कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंचे, यानी कि उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उतनी देर में वो फटाफट फटाफट गोलू के पास जा पहुंचती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ा जो का
धक्का हुआ। अब वो क्या किया उसने, गोलू को तो जोर से धक्का दिया लेकिन उसकी जो व्हीलचेयर थी, उसकी जो चेयर थी वो काफी स्पीड में गई, उसके कारण वो बहुत आगे चली गई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दौड़ते हैं दौड़ते हैं बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है, तो क्या करते हैं जो लाइन है उससे भी काफी आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे रुकना है उससे आगे हम बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही वही हुआ, उसका जो व्हील थे वो काफी स्पीड में थे, इसने जैसे ही गोलू को धक्का मारा उसके बाद वो खुद रुक नहीं पाए और काफी आगे चली गई अपनी कुर्सी की गति के कारण, स्पीड के कारण। धड़ाम जोर से धमाका हुआ, यानी कि धड़ाम करके जोर से अब धमाका हुआ। रेशमा की स्फूर्ति ने गोलू को जलने से बचा लिया, स्फूर्ति यानी उसकी जो एनर्जी थी उसके कारण जो गोलू है वो जलने से बच गया, वरना ऐसे गोलू के पीछे ही एग्जैक्ट था तो ब्लास्ट होता तो गोलू क्या हो जाता, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। गोलू को कुछ समझ में आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों, यानी गोलू का भी वही गुस्से में कि मुझे किसने धक्का दिया और मुझे क्यों गिरा दिया। बार बार हमें कोई धक्का देता तो सोचते ना कि क्यों धक्का दिया, क्या है, बस वही उसके साथ भी हुआ। गोलू को कुछ समझ में न आया, धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े, यानी कि बहुत तेज धमाका हुआ तो उसके मम्मी पापा जो अंदर थे वो भी बाहर दौड़ते हुए आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, यानी कि गोलू को तो बचा लिया और वो बहुत ज्यादा स्पीड में थी तो आगे चली गई, जिसके कारण रेशमा नीचे थी और जो उसकी व्हील चेयर थी वो उसके ऊपर थी, यानी कि वो कुर्सी के नीचे दब जाती है। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। अब क्या किया, पिताजी आए, उसने कुर्सी सीधी की और रेशमा को वापिस कुर्सी चेयर जो थी उसके ऊपर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, यानी कि भयभीत यानी कि डरी हुई थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु, यानी कि उसे डर लगता है, पूछ रही कि क्या हुआ, कोई चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, रेशमा ने डिटेल सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ है। तो ये सब सुन के जो उसके आसपास के लोग हैं घर वाले क्या क्या उसको पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी दी। वो भी क्या है, मुहावरा है, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, मतलब वो क्या करता है नाटकीय यानी कि छोटा सा है तो थोड़ा सा ड्रामा करके बोलता है कि हाँ हाँ दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, यानी कि वो ड्रामा कर रहा है। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, क्या बोलता है कि आपने जो धमाकेदार धक्का मुझे मारा है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इलाजों में कभी बाधा नहीं बनी, यानी कि सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे, कि बहुत खुश हो गए। और फिर क्या बोल रहे हैं, उसकी जो है शारीरिक कमी यानी जो फिजिकल में कमी थी, प्रॉब्लम थी, वो कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी, यानी कि जो वो सोचती थी वो करके दिखाती थी। वह आज भी उद्यमी जिंदा दिन और परिश्रम से अपना जीवन जी रही, मतलब वो वर्तमान समय में भी बहुत ही जिंदा दिल से और परिश्रम के साथ अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादों से जुट जाती है, यानी कि क्या है कि हर रोज की नई सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग वो जो है अपने कार्य में जुट जाती है और हर सुबह उसके लिए नई सुबह होती है, यानी कि वो रोज नई कुछ शुरुआत करती है और नए इरादे से जुट जाती है, यानी कि नया इरादा लेके अपना कार्य पूर्ण करती है। चलिए जो प्रश्न कथा यहाँ पर कंप्लीट हुई, यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो है कि कभी भी शारीरिक कमी जो है इसको हमें अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका हमें सामना करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, चलो बहुत बार हमने देखा है किसी का हाथ काम नहीं करता तो क्या करते, पैर से लिखते हैं, तो हमें जो है एक टैलेंट मतलब
एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है, लेकिन हमने अपना इरादा जो है वो मजबूत रखना चाहिए कि दूसरा है, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, यानी कि कुछ भी हो हमें लड़के उसका सामना करना चाहिए और मेहनत परिश्रम करके अपने इरादे को मजबूत बनाना चाहिए। चलिए चैप्टर अच्छे से रीड करना, अब मीनिंग देखते हैं। व्यस्त, काम में लगा हुआ, व्यवस्थित ढंग से तरीके से, उत्सुकता तीव्र इच्छा, बुजुर्ग बड़े बूढ़े, त्योहार पर्व उत्सव, दृढ़ता मजबूती दृढ़ होने का भाव, दैनिक रोजाना प्रतिदिन, बेजान बिना जान के निर्जीव, जिनमें हरकत न होना, बाधा रुकावट, जिंदा देनी खुश मिजाजी और विनोद प्रियता, आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना काम में मदद करना, पीठ थपथपाना शाबाशी देना। चलो लेसन तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये जो शब्द अर्थ और मुहावरे हैं इसे आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके, तब तक बाय बाय।